आप कैचती न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए एचटी। ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करिए हमारे एचटी न्यूज चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताजी खबरें। माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश द्वारा शिक्षा विभाग में राजधानी में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में सभी शिक्षकों ने आक्रोश जाहिर किया, किस प्रकार से उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है विद्यालयों में, देखिए हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। तदर्थ की बात करेगा, उसी के साथ रहेगा। जो तदर्थ की बात करेगा, उसी के साथ रहेगा। हमारी मांगे पूरी हो, जो मैं पूरी हूँ। भाई सौरभ मिश्र जी, धन्यवाद। मंच पे बैठे सभी वरिष्ठ साथी, वरिष्ठ अग्रज और सामने, और आज एकता देख के लग रहा है कि अब कुछ होगा। सरकार मजबूर होगी, होगी क्यों नहीं, बनाने वाले हम, बिगाड़ने वाले हम, लेकिन फिर भी हम हाशिए पे हैं। गुटों ने, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलना है, सारे गुटों को हम संबल प्रदान करते हैं, सारे गुटों के लिए हम भीड़ इकट्ठा होते हैं और उस तदर्थ अध्यापक हैं। विद्यालय में भी हम अछूत हैं, अपने विद्यालय में भी हम अछूत हैं। क्या है तो तदर्थ है। राजधानी के हजरतगंज शिक्षा विभाग में प्रदर्शन कर रही अरुण कुमार सुमित ने संयोजक माध्यमिक प्रदर्शन शिक्षक संघर्ष मोर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम 93 से लेकर के अद्यतन जो पद पर काम कर रहे हैं हाई कोर्ट के आदेश के बाद वो विनियमित किए जाएं, ये हमारी प्रमुख मांग है। तत्काल राहत के लिए विनियमितीकरण की राज्याज्ञा जारी होने के पहले जिन पदों पर चयनित आयोग से चयनित अभ्यर्थी आ रहे हैं उनको दूसरी जगह समायोजित किया जाए, जिन पदों पर हाई कोर्ट के आदेश से शिक्षक काम कर रहे हैं। इससे पहले भी आप लोग प्रदर्शन कर चुके हैं, क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन बीच में हमारी राजाज्ञा भी जारी हुई थी 1-2 हजार तक, 23 दिसंबर 2000 तक राजाज्ञा जारी हुई, जिसमें यह है कि, लेकिन उसमें हमको छला यह गया कि उसमें लिख दिया गया क्लाज 8 में कि जो हाई कोर्ट के अंतिम या अंतरिम आदेश से वेतन पा रहे हैं वो विनियमितीकरण के पात्र नहीं होंगे। तो इससे क्या हुआ कि बहुसंख्यक जितने भी आदेश हुए थे, जितने भी लोग वेतन पा रहे हैं, लगभग 99% सब हाईकोर्ट के आदेश से ही पा रहे हैं, इसलिए वह राजाज्ञा हमारे लिए निरर्थक साबित हो रही है। हमारी मांग है कि तत्काल 25 वर्षों से काम कर रहे शिक्षकों को हाईकोर्ट से आदेश, डायरेक्टर से अनुमति प्राप्त, DI से अप्रूव्ड, एकदम परफेक्ट, हर जो पद की योग्यता रखते हैं वो 25 वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको विनियमित किया जाए। विनियमित न करने से उनकी सेवाएं इतनी अस्थिर हैं कि वो राष्ट्र की सेवा, शिक्षा कार्य नहीं कर पा रहे हैं, और इस इतनी उम्र में अगर उनको कोई हटा दे तो उनके बेघर हो जाएंगे, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और दूसरी चीज उनकी बड़ी बड़ी लड़कियां हो गई हैं, उनकी शादी कौन करेगा, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनको कौन देखेगा, और इस उम्र में जब वो रिटायरमेंट के कगार पर हैं, 2 या 4 साल 5 साल किसी का बचा हुआ है, किसी का 2 साल बचा हुआ है, हमारे करीब 40 सदस्य शिक्षक साथी रिटायर भी हो चुके हैं बिना विनियमित हुए, तो न तो पेंशन पा रहे हैं। कहने का मतलब, अभी हमारे किसी तदर्थ साथी की मृत्यु हो जाए तो उसकी जगह पर अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति में तत्काल विनियमित किया जाए, अन्यथा हमारा शिक्षक साथी इच्छा मृत्यु मांग रहा है। यह लोकतांत्रिक सरकार हमको इच्छा मृत्यु की अनुमति दे, अगर विनियमित नहीं करती तो उससे मरने के बजाय हम वैसे मर जाएं। हमको तत्काल
राहत दे और विलीनीकरण की राज्य। कब तक प्रदर्शन करने का विचार है? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो कब तक यहाँ बैठेंगे? आज हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो यहाँ से हम 3 बजे के बाद विधानसभा का घेराव करेंगे, सारे हमारे साथी यहाँ से कूच करेंगे। जैसा कि आपने देखा, ये तो शिक्षक जिनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी, अगर इनकी मांगे नहीं पूरी होती तो विधानसभा का घेराव भी, विधानसभा की तरफ कूच भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार। हम आपका आह्वान करेंगे संगठन के पदाधिकारियों ने बताया किस प्रकार से विद्यालयों में उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है और वो ये दुर्व्यवहार नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं और जल्द ही वे बड़ा आंदोलन छेड़कर सरकार को बताएंगे समस्याओं के बारे में। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में शिक्षक की समस्या जरूर बताइए।